केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने रोजगार को लेकर भी तीन बड़े ऐलान किए। दरअसल विपक्ष मोदी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर लगातार घेरती आ रही है। माना जाता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ा। बेरोजगारी की वजह से जनता में रोष है। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में तीन बड़े ऐलान से बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है। वित्त मंत्री ने पीएम पैकेज के तहत तीन रोजगार लिंक्ड स्कीम्स को लॉन्च करने का ऐलान किया है। इन स्कीमों के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहली बार रोजगार में आने वाले नए युवाओं को सरकार मदद देगी। आइए इन तीनों स्कीमों के बारे में जान लेते हैं। निर्मला सीतारमण ने बताया है कि केंद्र सरकार 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करेगा। पहली बार नौकरी करने वालों के लिए सभी औपचारिक क्षेत्रों में 1 महीने का वेतन सरकार की तरफ से 3 किस्तों में दिया जाएगा। कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर किया जाएगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिनका वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह तक है। इस योजना का लाभ 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को इंसेंटिव दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को रोजगार के पहले 4 वर्षों में सीधे कर्मचारी और नियोक्ता को निर्देशित पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे 30 लाख युवा और नियोक्ता लाभान्वित होंगे। एम्प्लॉयर को मिलने वाली सहायता के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन वाले सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के लिए ईपीएफओ शुल्क को कवर करने के लिए 2 साल के लिए 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इससे 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सरकार 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए अवसर प्रदान करेगी। इसमें 5,000 रुपए हर महीने अलाउंस दिया जाएगा, साथ में 6,000 रुपए का एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाएगा। कंपनियों को CSR के तहत युवाओं को स्किल्ड बनाने पर खर्च करना होगा। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इसके लिए बजट में 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।